कांग्रेस की प्रदेश टीम बनाने की कवायद शुरू। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से फ्री होते ही पटवारी बोले अब संगठन को मजबूत करेंगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिसंबर के महीने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। पीसीसी चीफ बनने के 4 महीने बीतने के बाद भी पटवारी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव में भी पटवारी ने बिना टीम के ही लड़ा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद पटवारी ने अब संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद वोटर्स कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के साथ ही पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। पटवारी बोले सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते, हमारी भी कमियां हैं। बुधवार को जीतू पटवारी ने कहा 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई, अब आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आएंगे। मैं ये मानता हूं कि यदि डबल डिजिट में यहां की लोकसभा सीटें आए तो बहुत आश्चर्य मत समझना, हम विपक्ष में हैं। चुनाव आए, हमने चुनाव की प्रोसेस पूरी की, अब संगठन को मजबूत कर आइडियोलॉजी पर काम करना हमारा दायित्व है। हम 3-4 चुनाव हारे हैं, इसका हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते, हमारी भी कमियां हैं, उनमें सुधार करना है। मैं मानता हूं कि उस पर काम चालू है, जल्दी ही अच्छे अच्छे परिणाम कांग्रेस के साथियों को मिलेंगे। पीसीसी की टीम में 50 से कम वालों को मिलेगी जगह। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद अब जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस की मुख्य कार्यकारिणी के साथ ही अब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और विभागों प्रकोष्ठों में बदलाव करेंगे। पटवारी पीसीसी की नई टीम में 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, इनमें कुछ नौजवान विधायकों को भी शामिल किया जा सकता है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, पिछले महीने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इस्तीफा दे दिया था। विक्रांत ने पिता कांतिलाल भूरिया के चुनाव प्रचार में समय देने के हवाला देते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद ग्वालियर के मितेंद्र सिंह यादव को युवा कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 9 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही मितेंद्र ने प्रदेश भर में चुनावी दौरे शुरू कर दिए थे। महिला कांग्रेस सहित पूरी कांग्रेस में होगा बदलाव। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पीसीसी के टीम के साथ ही महिला कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, एससी कांग्रेस, एसटी कांग्रेस और सभी विभागों प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।